राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार पर हो रही ईडी कार्यवाही पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि आज उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्षियों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे कहते हुए अनिल देशमुख बोले, सेंट्रल एजेंसियों का गैर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, दिल्ली के केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है। आज रोहित पवार पर गैर कानून कार्यवाही हो रही है और रोहित पवार के समर्थन में वहां बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित है। ऐसा है कि रोहित पवार जो हमारे युवा विधायक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनको आज ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। आप देख रहे गए 4 साल से करीबन किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसीज जो है ईडी सीबीआई, इसका किस प्रकार से गैर इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में तो बड़ी तादाद में है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा आप दिल्ली में जाइए, वहाँ पे केजरीवाल साहब की पार्टी है, आप वहाँ पे ऐसी कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल साहब को कई बार समन्स भेजे गए। पश्चिम बंगाल जाइए, वहाँ पे हमारी ममता दीदी है, उनके सहयोगी उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। झारखंड की मुख्यमंत्री है, उनको ईडी की नोटिस जा रही है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इस प्रकार से जो विरोधक है, चाहे वो कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो या शिवसेना के हो, उनके ऊपर गैर कानूनन कार्रवाई इस प्रकार से जो हो रही है, उसके लिए रोहित पवार वहाँ पे आज ईडी के ऑफिस के नाम जब जा रहे हैं, उसके लिए उनको उनके समर्थन करने के लिए बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं।